ये जिस किसी ने भी किया है वो यही तो चाहता है कि आप चीखो चिल्लाओ और इसी तरह डर जाओ. एंड आई फील जो डर गया वो मर गया. मर गया? नहीं नहीं, नहीं। तुम सबको यहाँ पे डरा रहे हो या फिर हिम्मत दे रहे हो? ऑफ कोर्स डरा रहा हूँ. आई मीन इनका डरना जरूरी है, तभी ने रियलाइज होगा कि जब तक इस पर खड़े हैं साइलेंटली तब तक ही सेफ है. अरे लेकिन हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, कोई हमारे साथ क्यों करेगा ऐसा? ये जरूर बैड लोगों ने किया है आंटी. अरे अगर ये किसी बुरे इंसान का काम है तो फिर पुलिस को बुलाओ ना. पुलिस? नहीं नहीं नहीं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी को बुला लो यार. अरे अरे मैं तो कहता हूँ कि पानी के टैंकर को बुलाते हैं. है? क्या आपको डर के मारे प्यास लग रही है मिश्रा जी? अरे नहीं नहीं करुणा जी, टैंकर से पानी डालते हैं तो ये बिछाए हुए सारे बॉम्ब गीले होके फुस हो जाएंगे. सही कह रहे हो पापा, ऐसा तो दिवाली में भी होता है. चलो 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 अपन फोड़ के देखते हैं. फटवाएगा क्या? सॉरी 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 सॉरी, ये दिवाली आंटी के शॉप के क्रैकर थोड़ी ना जो सिर्फ जलते हैं पर फटते नहीं. हाँ तो एक बार हम चेक कर लेते ना कि फटाके असली है नकली. हाँ, चलो मंटू भैया आप आगे करो. अरे अरे मरवाओगे तुम लोग. एक सेकंड, किसी को भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है. आई विल गो एंड कॉल द अथॉरिटीज, तब तक जो जहां जैसे खड़ा है वैसे ही खड़े रहे. ओके? हाँ हाँ बिल्कुल, जाओ जाओ जाओ. अगर मैंने सही सोचा है तो तुम दोनों मुझे फॉलो जरूर करोगे और वही मैं चाहता हूँ. सो बालवीर आओ मेरे पीछे और बताओ मुझे अपना प्लान. अगर रे ने पुलिस या आर्मी को बुला ली यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाएगी और शिंकाई वाले उसका फायदा उठाकर यहाँ पे सब पे हमला कर सकते हैं, मासूम लोगों को परेशान कर सकते हैं. राइट भैया, हमें एक को रोकना होगा. अरे सोरिया तो कहाँ चल दिए, देख नहीं रहे यहाँ कितना खतरा है? अब माँ वो हम रे के साथ जा रहे हैं अब पुलिस पुलिस स्टेशन गिरबड़े जी को बुलाने. हाँ, है ना? हाँ, लेकिन ध्यान से जाना. हाँ, चलो रुक जाओ रे. हम नहीं चाहते कि तुम भारत नगर वासियों को बचाने के लिए पुलिस या किसी और को बुला. क्यों, तुम दोनों बालवीर हो क्या? हाँ ट्राई तो जरूर करेंगे. और कोशिश करने वाले कामयाब जरूर होते हैं. रियली? और कैसे सेव करोगे तुम सबको? तो प्लान है तुम्हारे पास? और अगर नहीं है तो आई एम सॉरी, क्योंकि सिर्फ तुम्हारी बातें बनाने से यहाँ पर किसी की जान नहीं बचेगी. हमें पता है कि ये सब जिससे भी किया है वो यही कहीं आसपास है और हम पर हर वक्त नजर बनाए हुए हैं. आसपास क्यों, हो सकता है तुम्हारे सामने खड़ा होकर भी तो तुम पर नजर रख सकता है. आई मीन ये भी तो पॉसिबल है ना? पॉसिबल, लेकिन हमें तो ये भी लगता है कि वो हमें ब्लैकमेल करके उनसे कुछ लेना चाहता है. हाँ, इसलिए जब तक हमें पता नहीं चल जाता कि लैंडमाइंस बिछाने के पीछे उसका असली मकसद क्या है तब तक हम किसी बाहर वाले को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते. अब ओके दे, वैसे भी भारत नगर के लोग मुझसे ज्यादा तुम्हारे क्लोज हैं, तो ये तुमको डिसाइड करना है कि तुम्हें बाहर से किसी की हेल्प चाहिए या नहीं. बट हाँ, अगर यहाँ पर किसी को कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम दोनों होंगे. विवान, मैंने एक बात तो सही कही, अगर किसी को इतने से भी खरोच है तो उसके जिम्मेदार हम ही होंगे. अब मुझे वीर लोग जाकर परियों की हेल्प लेनी चाहिए. नहीं विवान, बाल परी और ध्वनि परी बाकी परियों को उनके पुराने रूप में लाने में व्यस्त है, हम उन्हें परेशान नहीं कर सकते. मैं भी परियां ना हो वीर लोग में, लेकिन शौर्य तो जरूर होंगे, सो आई थिंक शौर्य हमारी कुछ हेल्प कर दे. ठीक है, एक काम करो, हमारे कमरे में जो यंत्र रखा है उसकी मदद से तुम वीर लोग पहुंचो और मदद लेने की कोशिश करो, तब तक मैं यहाँ पे अपनों को संभालने की कोशिश करता हूँ. ओह, तो वीर लोग जाकर परियों से हेल्प मांगना नेक्स्ट स्टेप है तुम्हारा. गुड प्लान्स बालवे, पर एक प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारे ये प्लान सक्सेसफुल होने ही नहीं दूंगा. कि वीर लोग में रोशनी इतनी कम क्यों हो रही है?
ऐसा लग रहा है जैसे वीर लोक की ऊर्जा खत्म हो रही है। परियों, वीर लोक पे अचानक आपातकाल की स्थिति बन गई है और इसलिए वीर लोक की सुरक्षा के लिए उस पे स्वयं ही सुरक्षा कवच बन गया है। अब ना वीर लोक से कोई बाहर जा सकता है, ना यहाँ कोई आ सकता है। शौर्य, ऐसा तो तब होता है जब परितारा की शक्तियां कमजोर होने लगती है। शौर्य, ये परितारा का रंग पीला क्यों नहीं है? वही हुआ जिसका डर था। बालवीर की शक्तियां परितारा से जुड़ी हैं, इसलिए बालवीर की शक्तियां जाने के बाद परितारा की शक्तियां भी कम होना शुरू हो गई हैं। तो शौर्य, अब हम इस स्थिति से कैसे बाहर निकल पाएंगे? इस तरह से तो हम धरती की रक्षा भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, पर ऐसा ना हो इसलिए हमें वीर तप करके इतनी ऊर्जा जागृत करनी होगी कि परितारा फिर से पूर्ण शक्तिशाली होकर पीले रंग की हो जाए। ऐसा होते ही ना सिर्फ वीर लोग फिर से ऊर्जावान हो जाएगा, दोनों बालवीर भी अपनी खोई हुई शक्तियां वापस पा लेंगे। ठीक है शौर्य, हम वीर तप शुरू करते हैं। थैंक गॉड खुशी, तुम यहां सेफ हो। बाहर तुम्हारी फ्रेंड्स और मॉम डेंजर में है। क्या? मेरी मम्मी और मेरे फ्रेंड्स डेंजर में? क्या हुआ उन्हें रे भैया? खुशी खुशी, अब तुम बाहर मत चले जाना, क्योंकि अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो तुम वो सैड मोमेंट तो नहीं देखोगी ना, तो प्लीज स्टे हियर। क्या? नहीं खुशी खुशी। मम्मी क्राया रे छोड़ेगा नहीं रे। मम्मी 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 मम्मी। दीदी 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 रुक जाइए, आगे लैंड माइन है। मम्मी मम्मी खुशी रुक जाओ। ए आगे मत बढ़ना खुशी। दीदी दीदी ये लैंडमाइन है। लैंडमाइन? नहीं दीदी दीदी, अगर आपने इस तरह से अपने पैर उठाए तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। क्या? मम्मी खुशी। नहीं माँ। नहीं माँ आगे मत बढ़ना। माँ माँ रुक जाइए, देखिए मैं खुशी के पास जा रहा हूँ, आप वहीं पे रुकिए प्लीज। खुशी बेटा, खुशी। देवू भैया। अब विवान तुम अंदर जाओ, मैं खुशी के पास रहता। लेकिन भैया। खुशी दीदी। विवान तुम जाओ। ओके। देवू भैया मुझे बहुत डर लग रहा है, किसने काली मुझे सैंड माइन से। नहीं नहीं खुशी, तुम अपना पैर थोड़ा भी मत हिलाना ठीक है, लेकिन चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे पास। लोग ले जाने वाले टेलीपोर्टिंग हैंडल्स कहाँ का है? यहाँ पे वीर लोग कैसे जाऊंगा? भैया देवू भैया मुझे बहुत दर्द हो रहा है। दीदी विक्र नॉट, आप बाहर आ जाओ, मैं खड़ा हो जाता हूँ इस लैंड माइन पे। हाँ ये क्या कह रहे हो विवान? भैया मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, इस लैंड माइन पे मैं खड़ा हो जाऊंगा खुशी दीदी की जगह। जैसे मैं तुझे यहाँ पे खड़े होने दूंगी, है ना विवान? दीदी हो जाने दीजिए जो होना, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तू भी रोता हुआ कोई सलमान खान नहीं लगता विवान। दीदी आज बस मुझे आपका छोटा भाई बनना है, जैसे आपने अपनी हर चीज दी है। मैंने इसलिए दी क्योंकि तू हैप्पी हो जाता है विवान, तो आज मैं तुझे वो चीज कैसे दे दूं जिससे तेरी लाइफ डेंजर में पड़ जाए। दीदी
सब कहते हैं ना कि मैं बहुत लड़ता हूँ, सो आज भी मुझे इस डेंजर से लड़ लेने दीजिए प्लीज दीदी। आप बस धीरे धीरे अपना एक पाँव इस लाइन माइन के ऊपर चढ़ाई पर फिर मैं खड़ा हो जाऊंगा इसमें प्लीज। नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी प्लीज दीदी प्लीज। यस यू आर राइट विवान, तुम्हारा आइडिया एकदम सही है। प्रेशर हटने से लेकर इस माइंड को ब्लास्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। खुशी तुम मत जाओ, मैं तुम्हारी जगह खड़ा रहूंगा। या आप क्यों, मैं क्यों नहीं? विवान बहस मत करो, मैं खड़ा रहूंगा खुशी की जगह। आप बड़े हो तो हमेशा क्या आप ही डिसाइड करोगे? नहीं आज सिर्फ मैं डिसाइड करूंगी और मैं अपने लिए किसी और की लाइफ डेंजर में नहीं डाल सकती विवान। अरे लेकिन तुम दोनों मेरी बात समझो। भैया मुझे कुछ नहीं समझना और मुझे भी कुछ नहीं सुनना है। अरे देखो तुम दोनों ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? अरे खुशी, अरे अनन्या दीदी, अनन्या ये क्या किया तुमने? ओह हेलो, खुशी मेरी बहन नहीं है क्या? लेकिन अनन्या दीदी अब आपकी लाइफ डेंजर में पड़ गई, उसका क्या? देखो विवान अब तो जो होना था वो हो गया अब, लेकिन तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें बचा लूंगा। ओह हेलो, मैंने तुम्हारी वजह से अपनी लाइफ डेंजर में थोड़ी डाली है, मैंने तो नकाबपोश और विवान की वजह से अपनी लाइफ डेंजर में डाली है। राइट विवान? ठीक है तो वो आएंगे तुम्हें बचाने। हाँ अब चलो चलो खुशी आराम से चलो। बालवीर जल्दी से अपनी पावर्स यूज करो और मुझे बचा लो यहाँ से। दीदी अभी मेरे पास कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं है। वो तुम्हारे पास मैजिकल पावर्स नहीं है, ये क्या बोल रहे हो तुम? ये सोच के तो मैंने अपना पैर इस पे विवान, तुम्हारे पास पावर्स नहीं है अब क्या होगा? दीदी वो एक्चुअली शिंकाई विलन से लास्ट फाइट में मेरी सारी पावर्स चली गई, बट फिकर नॉट नेक्स्ट 24 आवर्स में मुझे मेरी सारी पावर्स वापस मिल जाएंगी। 24 आवर्स? इसका मतलब 24 आवर्स तक मुझे यहीं पे खड़े रहना पड़ेगा? नो 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 विवान दिस इज नॉट पॉसिबल, तुम कैसे बचाओगे हम सबको? दीदी आपने बालवीर पे ट्रस्ट किया और शक्तियां हो ना हो बालवीर इज ऑलवेज अ बालवीर, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। भैया मैंने सोच लिया है हम सबको कैसे सेव कर सकते हैं। कैसे विवान? हमें सबको यहाँ से एयरलिफ्ट करना होगा और उन्हें ऊपर आसमान में इतना दूर ले जाना होगा कि इस लैंडमाइन का ब्लास्ट उन्हें चोट ना पहुंचा सके। ओ, और खुशी को हटाने से इतना तो पता चल ही गया कि लैंडमाइन तुरंत ब्लास्ट नहीं होता। राइट, लैंडमाइन के ऊपर से पैर का प्रेशर हटने से लेकर उसके ब्लास्ट होने के बीच में कुछ सेकंड का गैप आता है। इसका मतलब तुम्हारा प्लान काम कर सकता है विवान। यस, पर उससे पहले हमें ये पता करना होगा कि लैंडमाइन के ऊपर से पैर का प्रेशर हटने से लेकर एग्जैक्टली कितने सेकंड बाद लैंडमाइन ब्लास्ट हो सकता है। वाह, ये लोहे की गेंद मैं यहाँ से उस तरफ डालूंगा और अगर बीच रास्ते में कोई भी लैंडमाइन होगी तो वो सक्रिय हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि कितने सेकंड में वो ब्लास्ट होती है। ओके, संभल के। भैया लैंडमाइन एक्टिवेट हो गई है और मैंने टाइमर भी ऑन कर दिया है। तुम चाहे जो कर लो बालवीर, लेकिन बिना अपनी मैजिकल पावर्स के तुम किसी को नहीं बचा पाओगे। नहीं रे, वो सबको बचाने के लिए जरूर कोई ना कोई योजना बना रहे हैं। हमने सब कुछ परफेक्टली टाइमिंग के साथ किया था। क्या टाइमिंग करके किया? माँ वो हमने बाकी सारे लैंड माइंस ब्लास्ट कर दिए सेफली ताकि कोई भी और उस पे पैर रख के फंस ना सके। क्या तुम लोग क्या अपने आप को बालवीर समझते हो? अब जाओ जरा देख कर आओ पुलिस क्यों नहीं आई अभी तक। अरे नेवी आर्मी जिसको बुलाना है बुलाओ मगर जल्दी बुलाओ। ये आर्मिया ने भी आया ना, ये बालवीर हमारी मदद करने अब क्यों नहीं आया? हाँ हमारी गलती रहती ना तो पनिशमेंट ने तो सबसे पहले आ जाते, अब कहाँ रह गए?
इस बार हार पक्की है दोनों बालवीरों की। देखिए स्वामी, दोनों वहीं तो खड़े हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे अपनों के लिए। बिचारे। अब चलो विवान, जल्द से जल्द पता करते हैं कि हम हेलीकॉप्टर कैसे मंगवा सकते हैं। धमाके का समय ध्यान में रखते हुए बालवीर जरूर कोई ना कोई योजना बना रहे हैं। You are right, Mr. P. और मुझे उनके प्लान के बारे में पता लगाना ही होगा। Regenza, बातें बनाने के अलावा भी एक इंटरेस्टिंग काम ढूंढा है मैंने तुम्हारे लिए। Let's go. तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन तुम्हें ये करना पड़ेगा। And that's my order. मैं तुम्हारा साथी हूँ। और कमजोर साथी मुझे पसंद नहीं। रे, 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 मैं ये करूंगा ना तो मर जाऊंगा। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो I will kill you। दोनों बालवीर लैंडमाइन से सबको बचाने के लिए क्या नेक्स्ट स्टेप लेंगे, ये जानने के लिए अगर तुम्हें अपनी जान भी दांव पे लगानी पड़े तो लगाओ। अरे कोई इस छोटे से नन्हे से प्यारे से मूंछ वाले बच्चे को बचा। अरे सुन रहे हो ना तुम, रो रहा हूं मैं। फिकर नॉट रामू काका, हम आपको जरूर बचा लेंगे। प्रॉमिस। अरे बचा लोगे, कैसे बचाओगे? तुम विवान हो, भगवान थोड़ी ना हो, कैसे बचाओगे बताओ? अरे तुम क्या बालवीर हो? बालवीर नहीं है, पर हम आपकी मदद करने की कोशिश तो कर सकते हैं। कोशिश? बताओ कैसे करोगे कोशिश? मैं तुम्हारे नहीं पैर पड़ता हूँ, तुम कोशिश कैसे करोगे बताओ? ठीक है, मैं आपको प्लान बताता हूँ। हमारा प्लान सबको हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करवाने का है। हेलीकॉप्टर? एयरलिफ्ट? हाँ, हेलीकॉप्टर यहाँ पर आएगा और आपको हवा में उठा लेगा, फिर आप वहीं से बच जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए। अरे लेकिन हेलीकॉप्टर को लाने से क्या होगा? यहाँ पे मेरा पैर लैंड माइन से हटा और धमाका घटा। अरे नहीं नहीं, लैंड माइन के ऊपर से पैर हटाने से लेकर उसके ब्लास्ट होने के बीच में 8 सेकंड्स का गैप आता है। हाँ रामू काका, और उसी 8 सेकंड में हम यानी हेलीकॉप्टर सबको उड़ा के ले जाएगा। हाँ। आप चिंता मत कीजिए, धीरज रखिए और यहीं पे रहिएगा, हिलिएगा मत। नहीं नहीं नहीं, नहीं। चलो। अरे ये अपना प्लान मुझे बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने बाल। अब ये बहुत भारी पड़ेगा तुम पर और भारत नगर वालों पर। कौन है? हेलो, तुमने मुझे बलि का बकरा बना के अच्छा नहीं किया, ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। ब्रिगेंजा, चलो अब मैं प्लान बनाता हूँ बालवीर के प्लान को फ्लॉप करने का। रे, कहाँ जा रहे हो? अरे मुझे तो निकालो यहाँ से। नॉट नाउ ब्रिगेंजा, हेलीकॉप्टर लेने गए ना वो। लेट्स सी कि बालवीर सबको हेलीकॉप्टर से उड़ाकर लेकर जाते हैं या फिर रे उनके हेलीकॉप्टर को ही उड़ा देता है। ए अरे रे रे ए रे रे हमें हेलीकॉप्टर की बुकिंग के बारे में तो पता चल गया, लेकिन परमिशन के पेपर साइन करने के लिए हमें यहाँ से बाहर जाना होगा। बस स्पीच शिंगा विलेन, हम भी फिर से अटैक ना करते। राइट। राय और प्रे नहीं छोड़ेगा रे। क्या अचानक इतने सारे ब्लैक सर्कल्स कहां से आ गए?
लगता है हमारे दुश्मन हमें बाहर जाने से रोकना चाहते हैं। और किसी भी हाल में बाहर तो जाना ही होगा। भैया आज लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस काम आएगी इनलैंड माइंस को पार करने में। अभी तो जादुई शक्तियां नहीं है उनके पास, लेकिन फिर भी लैंडमाइंस के ऊपर से छलांग मारने की सोच रहे हैं। मानना पड़ेगा खतरों से खेलने का बहुत शौक है दोनों बालवीरों को। सो व्हाट मिस्टर बी, हम भी डेंजर का लेवल थोड़ा सा अप कर देते दोनों बालवीरों के लिए। यानी कि बिरबा के दूसरे आविष्कार का इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। अब ये कौन सा नया गेम खेल रहे हैं ये लोग? हमारे दुश्मन हमें बाहर जाने से रोकने के लिए हर तरकीब लगा रहे हैं। पर आप विमान रुकेगा नहीं। नहीं विमान रुको, यहाँ पर लैंडमाइंस कहाँ पर है हमें पता नहीं है। लैंडमाइंस गायब हुए हैं, चले नहीं गए, इसलिए जहाँ पर हमें लैंडमाइंस दिख रहे थे हो सकता है वहाँ पर लैंडमाइंस ना हो। ये खतरा और बढ़ गया है विमान। क्या भैया, तो फिर पता कैसे चलेगा कि कहाँ पैर रखना है और कहाँ नहीं? तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा।